हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं मोहित पारी, आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल। आज का जो ये वीडियो है, ये बद्री तोतों की कुछ बीमारियों पर है, जो कि कॉमन बीमारियाँ होती है, जिनसे बद्री तोतों के मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत भाई कमेंट करते हैं कि बद्री तोते क्यों मर रहे हैं इस टाइम, और कुछ कॉमन बीमारियाँ हैं, कुछ कॉमन डिजीज़ है जिनके कारण बद्री तोते मर रहे हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में उनकी पहचान बताऊंगा, उनकी अच्छी मेडिसिन बताऊंगा जो कि मैं यूज़ करता हूं, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छा असर भी करती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप और भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, और कुछ बात समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस वीडियो से पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बद्री तोतों की वो सभी मेडिसिन पे बात की थी जो कि मैं यूज़ करता हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे बद्री तोतों की बीमारी पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होता है कि बद्री तोतों को बीमारी लग जाती है, जैसे सपोज कि उन्हें ठंडी हवा लग गई तो वो कुछ टाइम बीमार हैं एक दो दिन से, तो हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर होते जाते हैं, और वो कॉलोनी या केजिस के एक साइड में बैठे रहते हैं, जो चोंच होती है उसको गर्दन के पीछे मोड़ के, तो क्या होता है कि वो एकदम कमज़ोर हो जाते हैं और हम उनका ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जैसे ही हम अचानक उनको कोई भी मेडिसिन देते हैं तो वो अचानक से मर जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि जो बद्री तोते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बर्ड्स होते हैं, ये सहन नहीं कर पाते हैं उस दवाई का डोज जो हम अचानक से देते हैं। इससे पहले हमें ये करना चाहिए कि जब भी बद्री तोते बीमार हो तो उन्हें अलग करना चाहिए, और शुरुआत में पहले दिन पानी के अंदर थोड़ी दवाई डालनी चाहिए, और उसके बाद अगले दिन थोड़ी ज़्यादा, और अगले दिन उस डोज़ के हिसाब से डालनी चाहिए जिस हिसाब से हम दवाई देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि बर्ड्स की अचानक से डेथ नहीं होती। अब बात करते हैं उन बीमारियों पे जो कि अक्सर बद्री तोतों को लगती है। तो मैं बात करता हूँ मौसम से ज़्यादा बद्री तोते मरते हैं, और ये एक कॉमन बीमारी है जो बद्री तोतों में अक्सर लगती है। तो इसका कारण दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बद्री तोते होते हैं ये ना तो ज़्यादा गर्मी सहन कर पाते और ना ही ज़्यादा ठंड सहन कर पाते। उसी तरह जो ज़्यादा सॉफ्ट फूड होता है वो भी ये हज़म नहीं कर पाते। इन्हें एक मात्रा के हिसाब से ही सॉफ्ट फूड दिया जाता है जो कि ये पचा सकते हैं और डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर हम बहुत बार क्या करते हैं कि इन्हें ज़्यादा सॉफ्ट फूड दे दें, या कोई नए भाई लोग हैं जो उन्हें पता नहीं होता और वो दिन में दो तीन बार सॉफ्ट फूड दे देते हैं या सॉफ्ट फूड ज़्यादा देते हैं, तो क्या होता है कि बद्री तोतों को मोशन लग जाता है। बहुत बार बद्री तोतों को छोटे पिंजरों में रखा जाता है और उन्हें अच्छी तरीके से फ्लाइंग नहीं मिलती, इस कारण भी उन्हें मोशन लग सकता है। और बहुत बार तो मोशन इतना ज़बरदस्त लगता है कि बर्ड्स अपनी बीमारी से, कमज़ोरी से वो हल्का हो जाता है, बर्ड्स एकदम उसका जो वेट होता है वो एकदम ही हल्का हो जाता है। तो मैं आपको एक बेस्ट मेडिसिन बताना चाहूँगा मोशन के लिए आप एनरोफ्लोक्सेसिन ओरल सॉल्यूशन, जिसका जो सॉल्वेंट है ये एनरो स्ट्रॉन्ग 10% में और मेरीक्यून दोनों में आता है, आप सुबह के समय ये यूज़ करवा सकते हो। इसके बाद शाम को आप लीवर टॉनिक दे सकते हो। यूज़ करवाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको रात को जो बर्ड्स के केजेस है, पिंजरे हैं, उनका पानी निकाल लेना है और दाना भी निकाल लेना है। फिर आपको सुबह 7 बजे या 6 बजे जो भी आप उन्हें पानी डालो, और उसके अंदर आप एनरो स्ट्रॉन्ग 10% डाल सकते हो।
ये आप आधा लीटर पानी में 2.5 ml या 3 ml डाल सकते हो। फिर आपको 1 घंटे तक दाना नहीं रखना है, जिससे क्या है कि ये जब पानी पियेंगे उस मेडिसिन का तो वो असर करेगी और 3-4 दिनों में बर्ड्स फिट हो जाएगा आपका। तो अब बात करते हैं सर्दी लगने की। जो बर्ड्स पे ठंडी हवा है वो बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट करती है दोस्तों, ये आप सबको पता है। जो ठंडी हवा, डायरेक्ट हवा इन्हें लगती है तो ये सुस्त बैठने लगते हैं। तो दोस्तों उसमें भी बजरी तोतों को जुकाम होता है, बुखार होता है। तो जुकाम होता है तो हम कैसे पता लगाएं कि बजरी तोतों को जुकाम है? मैं कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ जिनसे हमें पता चल सकता है। कुछ तरीके हैं कि जो बर्ड्स होता है वो एक तरफ बैठा रहता है और वो मुंह से सांस लेता है, और जो पीछे की टेल होती है, धुम होती है, उसे हिलाता रहता है। मुंह से सांस लेने का कारण ये होता है कि जब उनके नाक होती है उसमें पानी बहता है और वो नाक में पानी रहता है तो नाक से सांस नहीं ले पाते हैं, तो वो मुंह से सांस लेते हैं। और उनकी जो नोज़ होती है, नोज़ के 2 सुराख होते हैं, उनके ऊपर से जो बाल होते हैं वो उड़े हुए रहते हैं और वहाँ पे पानी पानी होता है। इससे क्या होता है कि जो नोज़ का पानी है वो आँखों में भी चला जाता है, खुजाते हैं आँखों को जाली से या दीवार से या हांडी से, स्टिक से। तो क्या होता है कि उनकी जो आँखें हैं वो भी ख़राब हो जाती है, उसके पास से बाल उड़ जाते हैं और पूरे दिन खुजली वगैरह आती है। तो आप एक काम कर सकते हो, जुकाम के लिए उन्हें एनरोस्ट्रॉन्ग दे सकते हो, वो भी अच्छा काम करती है इन्फेक्शन में। और आप टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हो। और अब आँखों के इन्फेक्शन की बात करें तो आप इसके लिए एक ह्यूमन मेडिसिन आती है जिसका नाम होता है सेफ्लक्स डी ड्रॉप होती है। ये आप शाम के समय जब लाइट ऑफ करें उस समय आप बर्ड्स की आंखों में इस ड्रॉप को डाल सकते हो। ऐसे आपको 3 से 4 दिन डालना है और उनकी जो आंखें हैं बर्ड्स की वो फिट हो जाएगी वापस। अब बात करते हैं फ्लू पे। तो फ्लू के लिए भी जो टेट्रासाइक्लिन है वो अच्छा काम करती है फ्लू में भी। और अगर आपको टेट्रासाइक्लिन या कोई भी वेटनरी की मेडिसिन, पोल्ट्री फार्म की मेडिसिन ना मिले तो आप उस स्थिति में कोई भी छोटे बच्चों की मेडिसिन है वो भी आप यूज़ करवा सकते हो। दोस्तों उसका मैं आपको एक तरीका बता दूं कि जब भी आप छोटे बच्चों की या ह्यूमन मेडिसिन आप यूज़ करवाते हो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि उनका जो डोज होता है वो भी हेवी होता है और बहुत बार बर्ड्स झेल लेता है और तैयार भी हो जाता है और बहुत बार उल्टा इफेक्ट भी पड़ जाता है। इसके लिए आपको एक काम करना है, जो बर्ड्स होता है, बीमार बर्ड्स होता है, उसे आपको अलग कर देना है। साथ में सभी बर्ड्स को कोर्स नहीं करवाना है क्योंकि गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है इसका। तो आप कोशिश यही कीजिए कि जो इनकी पोल्ट्री की जो मेडिसिन होती है, वेटनरी की मेडिसिन होती है, वही यूज़ करवाए, अन्यथा आप करवा सकते हो ह्यूमन मेडिसिन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस चैनल पे ऐसी नई नई वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जो कि सब्सक्राइब के पास आता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो तक, इजाज़त चाहते हैं।